हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। फ्रेंड्स, हमारी पिछली दो वीडियोस पर जो कि हमने आईटीआई ग्रीवेंस के इश्यू से रिलेटेड आपके लिए बनाई थी, पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आईटीआई स्टूडेंट अपने रिजल्ट में कोई गलती होने पर जो ग्रीवेंस रेज करता है उस पर डीजीटी किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से सारी प्रोसीजर सारी स्टेप्स डीजीटी द्वारा ली जाती है और फाइनली स्टूडेंट का रिजल्ट सही करके या फिर जो भी उसमें वेरिफिकेशन के बाद परिणाम सामने आते हैं उसको शो किया जाता है। दूसरी वीडियो में हमने स्टूडेंट को बताया था कि स्टूडेंट जो अपनी ग्रीवेंस का जो स्टेटस है उसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके से चेक कर सकता है। फ्रेंड्स, इन दोनों वीडियोस को डालने के बाद हमें स्टूडेंट के जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स या फिर इन वीडियोस पर जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने सवाल पूछे हैं वो ये पूछा है कि सर, हम अपनी ग्रीवेंस आईडी अगर भूल गए हैं या फिर हमने किसी तरीके से उसे मिस कर दी है तो हम अपना ग्रीवेंस का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना ग्रीवेंस स्टेटस चेक करने के लिए ग्रीवेंस आईडी की ज़रूरत होती है। ग्रीवेंस आईडी के बिना कोई भी स्टूडेंट अपनी एग्जामिनेशन रिलेटेड या प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस का स्टेटस चेक नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही हमने आज का वीडियो बनाया है। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट को ये बताने वाला हूँ कि आपकी जो ग्रीवेंस आईडी है वो अगर आपको नहीं मिल रही है, अगर आप अपनी ग्रीवेंस आईडी भूल चुके हैं तो आप किस तरीके से अपना ग्रीवेंस स्टेटस चेक करेंगे। इसके लिए आपको बस आपका जो रोल नंबर है वो याद होना ज़रूरी है। अब अगर आगे बात करें तो आपके रोल नंबर से किस तरीके से अपना ग्रीवेंस का स्टेटस चेक करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे कि मैं स्क्रीन पर इसको बड़ा कर लेता हूँ, आपको आपके रोल नंबर के आगे केवल GR टाइप करना है, इसके बाद आपका रोल नंबर, और रोल नंबर लिखने के बाद 1 2 3 तीन बार 0 टाइप करना है। और अगर आपकी ग्रीवेंस ED या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आपको 1 टाइप कर देना है। अगर आपकी ग्रीवेंस थ्योरी एम्प्लॉयबिलिटी या कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो आपको 2 टाइप कर देना है। इसी तरीके से प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस में आपको 3 टाइप कर लेना है। तो आपको जो ये ग्रीवेंस है ये इस फॉर्मेट में, ग्रीवेंस आईडी है वो इस फॉर्मेट में तैयार कर लेनी है। अब मैं इसको कॉपी करके आपको बताता हूँ एक ग्रीवेंस का स्टेटस ओपन करके। ये मैंने इसको कॉपी कर दिया। ग्रीवेंस स्टेटस देखने के लिए हमें कंप्लेंट टूल में, उसके बाद ग्रीवेंस और उसके बाद ग्रीवेंस व्यू पर जाना होगा। अब यहाँ पर ग्रीवेंस आईडी मांगी जा रही है, तो जो ग्रीवेंस आईडी अभी हमने रोल नंबर से क्रिएट करी है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये मैं गो कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ग्रीवेंस आईडी से ग्रीवेंस स्टेटस पर जैसे ही मैंने सर्च किया है ये ग्रीवेंस स्टूडेंट की ओपन हो चुकी है। ये ग्रीवेंस इन्फो आप नीचे देख सकते हैं। तो केवल रोल नंबर से इस तरीके से एक स्टूडेंट का ग्रीवेंस स्टेटस आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से, इसी प्रक्रिया से आप भी, अगर आपको अपना ग्रीवेंस आईडी नहीं मालूम है तो भी आप अपना ग्रीवेंस स्टेटस चेक कर पाएंगे। यहाँ से आप ग्रीवेंस व्यू भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी ग्रीवेंस पर अभी क्या कार्य किया गया है। जैसे कि स्टेटस में आप देख सकते हैं कि पेंडिंग विद अप्रूवल अप्रूविंग अथॉरिटी नोडल ऑफिसर और SPIU, यानी ये अभी नोडल ऑफिसर और SPIU के लेवल पर ही पेंडिंग पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपके रोल नंबर से ही आपकी ग्रीवेंस स्टेटस चेक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ITI से जुड़ी इस तरह की और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।